सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। नवजोत सिंह सिद्धू का राजनीति में सितारा शायद ठीक नहीं चल रहा। सिद्धू पर अब और ज्यादा संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल जुलाई का महीना है और पंजाब में गर्मी का दौर जारी है। राज्य के कई गांवों में 10 से 12 घंटे तक बिजली कट रही है, लेकिन पंजाब के बिजली मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू दफ्तर से नदारद हैं। सिद्धू अपना मंत्रालय बदले जाने से नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब सिद्धू के लिए कुछ अच्छा होने वाला नहीं है क्योंकि राहुल गांधी खुद सिद्धू की ऐसी हरकत पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद पार्टी के तीन बड़े नेताओं से मिलकर सिद्धू के मामले को सुलझाने की बात रखी, लेकिन सिद्धू हैं कि मान ही नहीं रहे। कुछ दिन पहले सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलकर भी अपना दुखड़ा रोया था, लेकिन अब सिद्धू पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी सिद्धू के इस रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंगा लेकर फंस गए हैं। राहुल गांधी द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पार्टी में अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वह पिछले एक महीने से भूमिगत हैं और राहुल गांधी से मिलने की कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन राहुल उनसे मिलना नहीं चाहते। नवजोत सिंह सिद्धू के पास अब केवल यही विकल्प बचता है कि वे या तो मंत्री पद स्वीकार कर लें या फिर खुद ही मंत्रिमंडल से बाहर हो जाएं। पंजाब सरकार के सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि सिद्धू का राजनीति में भविष्य कैसा रहता है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।